क्लास एट का सब्जेक्ट फिजिक्स से मैं ध्वनि चैप्टर साउंड के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी माध्यम से होकर गमन करती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी माध्यम से होकर गमन करती है या चलती है, जो हमारे कानों के द्वारा सुनने के लिए संवेदना उत्पन्न करती है और यह ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। अगर कंपन नहीं होगी तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे बनती है? ध्वनि किसी वस्तु के टकराने से जो कंपन उत्पन्न होती है और यह कंपन माध्यम से होकर हमारे पास से पहुंच जाती है। अब है माध्यम क्या है? तो माध्यम ऐसे द्रव पदार्थ है जिसे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम तीन प्रकार के हैं। वायु जिसे हवा कहेंगे, और जल और ठोस। हवा वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है और जल में 1430 मीटर प्रति सेकंड है। और ठोस जैसे लोहा या लोहा है जो 5960 मीटर प्रति सेकंड है। और ठोस में सबसे ज़्यादा अल्मोनियम में 6340 मीटर प्रति सेकंड ये ध्वनि चलती है। तो हवा, जल और ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस से होकर संचरित होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल क्या है? हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है। जल में ध्वनि की चाल 1530 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि ठोस लोहे में ध्वनि की चाल 5960 मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होता है। विद्यालय की घंटी की आवाज़ ध्वनि कैसे हमारे पास पहुंच जाती है? विद्यालय की घंटी पीतल की या लोहे की बनी होती है या धातु की बनी होती है, और किसी हथौड़े से जब उसे प्रहार किया जाता है तो वह घंटी कंपन करने लगती है, और कंपन करने लगती है तो वह कंपन माध्यम से होकर हमारे पास से पहुंच जाती है। अगर जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और हमारे बीच अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए माध्यम वायु हर जगह उपलब्ध है। तो अगर कंपन से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वह ध्वनि वायु के कणों को ओवा दोलित करती है और दूसरे कण को भी दोलित करती है। इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंपन पहुंच जाती है। तो विद्यालय की घंटी की आवाज़ जो है हमारे पास माध्यम से होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है और कान सुनने का काम करता है। इसके बाद एक कंपन क्या है? किसी वस्तु की माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। और कंपन ध्वनि उत्पन्न करती है तो कंपन हमें दिखाई नहीं देता है। आवाज आवाज जो है हमारे कानों तक पहुंच जाता है तो हम अपने कानों से वह आवाज या ध्वनि सुन लेते हैं। जैसे किसी रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन आ रही है नहीं, बहुत दूर पर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हमें पता लगाना है कि इस रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी आ रही है या नहीं, तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे? क्योंकि रेलवे ट्रैक जो वह इस्पात या लोहे का बना होता है और उस पटरी पर ट्रेन चलती है, ट्रैक पर चलती है और बहुत दूर पर ट्रेन है, तो उसकी पहचान आ रही है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हम जल्दी से रेलवे ट्रैक में अपने कान को सटाएंगे
तो अगर उसे रेलवे ट्रैक पर गाड़ी आ रही है, मैंने ट्रेन आ रही है, तो उस चलती हुई गाड़ी की ध्वनि हमारे कानों तक पहुंच जाता है, जबकि बहुत दूर पर है। तो इस्पात जो है वह लोहे की बनी होती है, और लोहे एक ठोस के रूप में है, और ठोस से ध्वनि का गमन 5,960 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो वह ध्वनि रेलवे ट्रैक से बहुत दूर आगे पहुंच जाती है। हम कान के द्वारा सुन लेते हैं कि इसे पटरी पर अर्थात ट्रैक पर ट्रेन आ रही है, तो हम लोग उससे रेलवे ट्रैक से अगल बगल हट जाते हैं। इस प्रकार ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। उसी प्रकार अगर चंद्रमा पर हैं दो व्यक्ति या दो मित्र हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या एक दूसरे की ध्वनि को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, वायु नहीं है, न वहाँ जल है और न वहाँ ठोस भी है। तो वायु माध्यम नहीं होने के कारण दो व्यक्ति अगर वहाँ बातचीत कर रहे हैं तो उसकी ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है। और ध्वनि जो है माध्यम से होकर गमन करती है, तो माध्यम के अभाव में हम एक दूसरे की ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे।